ओम साई राम। आपकी अपनी साई गीता, आपका तहे दिल से धन्यवाद करती हूँ इस चैनल को सब्सक्राइब करने के लिए, प्यार देने के लिए। तो साई भक्तों, वो दिन आ गया जिसको हमें इंतजार था, आप लोगों को भी इंतजार होगा, है ना। बस जल्दी जल्दी हम और आप तैयारी करते हैं और बाबा के चलते हैं दरबार में दर्शन करने। दशहरा के पर्व है, इतना बड़ा दिन है जो इतने सालों बाद ये तारीख आई है, 15 अक्टूबर। 15 अक्टूबर को बाबा ने हमसे विदाई ली थी, लेकिन बाबा कहीं नहीं गए हैं, बाबा हमारे साथ हैं। बाबा ने कहा था ना, मेरा शरीर जरूर जा रहा है लेकिन मैं हमेशा यहाँ रहूँगा, आप लोगों के बीच में रहूँगा। तो बाबा आज भी हमारे साथ हैं, कहीं नहीं गए हैं। बस कहते हैं ना कि जब आप साईं को देखेंगे तो आप साईं को चाहेंगे तो साईं आपके साथ ही होंगे, साईं आपके आसपास होंगे। बहुत से ऐसे साईं भक्त हैं जो कहते हैं कि दीदी ऐसा क्या करें जिससे साईं की कृपा हो। साईं की कृपा आपके ऊपर ज़रूर होगी, लेकिन ये आपने सही कहा कि क्या करना पड़े, कुछ ना कुछ तो करना पड़ता है जब साईं की कृपा पानी हो तो। क्योंकि आप अभी बाबा से जुड़े हैं, बहुत सारे भक्त हैं जो बहुत टाइम से जुड़े हुए हैं वो सब कुछ जानते हैं, लेकिन जो नए भक्त जुड़ते हैं या जो अभी कुछ दिन पहले ही जुड़े होते हैं वो बाबा के बारे में जानने की कोशिश करते हैं, दीदी हमें बाबा के बारे में बताइए, बाबा क्या करते थे, बाबा कहाँ रहते थे, बाबा के बारे में जितनी जानकारी है बताइए। तो मैं आप लोगों से यही कहूँगी, अगर आपको बाबा के बारे में जानना है तो श्री साई सचित का पाठ करें, उसमें बाबा के बारे में एक एक बात लिखी हुई है, बाबा किस तरह अपने भक्तों के कष्टों को दूर किया करते थे, किस तरह उन पे कृपा करते थे, कितने सालों तक बाईजा माँ के औलाद नहीं थे लेकिन बाबा की कृपा से उनकी औलाद हुई। भागो जी सिद्धे, जिनको कोढ़ हो गया था बाबा ने उनका कोढ़ ठीक किया, क्योंकि बाबा बहुत बड़े वैद्य थे। बाबा आपके जीवन की हर बात, जब आप जब बाबा अपने जीवन काल में थे, जब बाबा की द्वारका माई में लोग जाते थे, बाबा दूर से बता देते थे कि इसके मन में क्या चल रहा है, हर एक बात जानते थे। और आज भी आपके मन में जो चलता है वो बाबा को सब पता होता है। कुछ देर बाद आपको ऐसा महसूस होगा कि अभी तो मैंने ये बाबा से कहा था, ये ऐसे कैसे। तो बाबा को हर एक बात पता होती है आपके दिल की। आप कहते हैं ना, जैसा भाव रहा जिन जन का वैसा रूप हुआ मेरे मन का। आप अच्छे अच्छे कार्य करिए जिससे बाबा खुश हो जाए, गरीबों को भोजन खिलाइए, नहीं है तो कोई बात नहीं लेकिन उनका निरादर मत करो, खाना नहीं है कोई बात नहीं है, उनसे प्यार से कह दो कि भैया आज नहीं है मैं फिर कभी दूंगी, लेकिन उनको धुतकारो मत। बाबा हमेशा ये कहते थे किसी को आप बुरा भला मत बोलो, अगर किसी ने कहा है ना, किसी ने आपको कुछ कह भी दिया है तो कोई बात नहीं, अगर मैं भी उसके जैसी बन जाऊंगी, अगर उसने मुझसे कहा और मैंने उससे कहा तो उसमें और मुझ में क्या अंतर रह जाएगा। बाबा हमेशा यही कहा करते थे, अच्छी शिक्षा देते थे, दूसरों को खाना खिलाओ। बाबा क्या करते थे, अपने हाथों से खिचड़ी बनाते थे। ये देखिए मेरे बाबा कैसी खिचड़ी बनाते थे अपने हाथों से। ये नहीं है कि इसमें चम्मच या कुछ, नीचे से आग लगी जल रही है और उसमें अपना हाथ डालते हैं। उन्होंने ये नहीं देखा कि मेरे हाथ में जलन होगी या क्या होगा, कुछ नहीं। सिर्फ उनको क्या था कि जो भी भूखा इंसान है उसको मैं खाना खिलाऊं, उसको चाहा, उस चाहत कि किसी भी तरह इसका मैं, इन लोगों का मैं पेट भर सकूं। हमारा भी ये धर्म बनता है कि हम ज़्यादा नहीं खिला सकते, थोड़ा बहुत तो खिला सकते हैं, आप गरीबियों को वितरण करें। और आप पशु पक्षी होते हैं जो बोल नहीं सकते, कह नहीं सकते, उनको आप दाना डालें, दूध पिलाएं,
गाय को रोटी दें, चारा दें, बंदर लोग हैं, बंदर हैं उनको आप केला वगैरह जो भी मतलब जितने भी जानवर हैं अगर आपके आसपास है, अगर ये नहीं मिलते तो कोई बात नहीं, जो भी जानवर आपको मिलता है या पक्षी मिलता है या पशु मिलता है आप उसी को खिला सकते हैं। अगर आपको इनमें से कोई नहीं मिलता आप चींटियों को खिला सकते हैं। बहुत सारे ऐसे साइन रखते हैं हमारे ये काम नहीं बनने, आपके मेरे ये काम नहीं बनने, लेकिन आप एक बार ऐसा करके देखो आपके हर काम बनने लगेंगे, क्योंकि बाबा कहते हैं कर भला तो होगा भला, दूसरों के भले में अपना भला है, अपने बारे में नहीं सोचना सिर्फ दूसरों के बारे में सोचना, हमारे बारे में सोचने से क्या है, दाता बैठे हैं ना और सबके सबके बारे में ये दाता सोचते हैं ना, लेकिन हमने क्या है कि बस कहते हैं ना मेरी बाह पकड़ लो साईं जी, 100 बार नहीं 1 बार सही, मेरी बाह पकड़ लो साईं जी, हे दाता हे परमपिता परमेश्वर मेरी ऐसी बाह पकड़ लो कि मैं अच्छे अच्छे कार्य करूं, मुझे ऐसी प्रेरणा दो जो मैं दूसरों का भला कर सकूं, मुझे ऐसा आशीर्वाद दो जो बीमार लोग हैं या जो परेशान लोग हैं उनके बारे में दुआ कर सकूं, बाबा मुझे इतनी हिम्मत दो। आप लोग बाबा से ऐसा बोलिए, बाबा से ऐसा कहिए, क्यों? क्योंकि जब आप बाबा से ऐसा बोलेंगे तो बाबा आप पे कृपा जरूर करेंगे। बाबा कहते हैं कि इसका दिल कितना सुंदर है, और जिसका दिल सुंदर होता है, जिसका दिल में कहते हैं ना प्यार होता है, सद्भावनाएं होती हैं, दूसरों के लिए कुछ करने के लिए होता है, उस पर बाबा ज़रूर कृपा करते हैं। बाबा कहते हैं अपने घर में बुजुर्ग लोग हैं उनकी सेवा करिए, अपने माँ बाप हैं उनकी सेवा करिए, भगवान की तो सेवा सभी लोग करते हैं, लेकिन अपने घर में जो बुजुर्ग हैं, अपने घर में माँ बाप हैं, उनको भी आपको ही देखना है। आपके ऊपर बाबा की ऐसे ही कृपा बनेगी। आप एक बार अपने माँ बाप की सेवा करिए, अपने बुजुर्गों की सेवा करिए, फिर देखिए बाबा की कृपा। बाबा हमेशा अच्छे अच्छे कार्य करने के लिए कहते थे, बाबा हमेशा यही कहते थे कि बस दूसरों के बारे में सोचो, बाबा ने कभी अपने बारे में नहीं सोचा, हमेशा दूसरों का भला किया। आपने बाबा का सीरियल देखा है, बहुत सारे साईं भक्तों ने बाबा के सीरियल आ रहे हैं, मेरे साईं और पहले भी सीरियल था, उसमें बाबा की ऐसी ऐसी चमत्कार, ऐसी ऐसी बाबा की चीज़ें दिखाई हैं कि बाबा किस तरह भक्तों पे कृपा करते थे। आप सिर्फ साईं सचित्र ही देख लो, उसमें कितने भक्त थे बाबा जिनका उद्धार बाबा ने किया। तो हम बाबा की शरण में आ गए हैं, हम सभी साईं भक्त हैं, हम बाबा की शरण आ गए हैं, और बाबा की जो शरण आ जाता है वो हमेशा अच्छा होता है, वो कभी गलत नहीं सोचता, वो हमेशा अच्छा सोचता है। दूसरों को बढ़ाओ, दूसरों को प्रेरणा दो। तो साईं भक्तों बस बाबा से प्यार करो, बाबा से अपने दिल की बात करो, बाबा की कृपा पानी है तो अच्छे अच्छे कार्य करिए, और जो अच्छे अच्छे कार्य करेगा, अभी हम कुछ दिनों बाद बाबा का कुछ बाबा का कर्म हो जाए तो कुछ ऐसा कार्य करने जा रहे हैं, वो आपको दिखाया जाएगा। और मैं बाबा से यही कहूँगी कि बाबा अपनी कृपा हम सब भक्तों पर करें, और आप ज़रूर ज़रूर श्री साईं सचित्र का पाठ ज़रूर करें, जिससे आपके ऊपर बाबा की कृपा होगी। और अन्नदान सर्वश्रेष्ठ दान, अन्नदान करें, भूखों को खिलाएं, जानवरों को खिलाएं, अच्छा अच्छा कार्य करिए, जितना अच्छा कार्य करेंगे उतनी बाबा की कृपा होगी। तो इन्हीं शब्दों के साथ मैं अपनी वाणी को विराम दूंगी, और चलिए 13 तारीख को जल्दी से जल्दी शिरडी पहुँचते हैं और हम सब मिलते हैं। तो ओम साई राम, जय साई राम।